हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम इलेवन में बास्केटबॉल की टीम देने वाला हूँ, जो सीबीए लीग 2020-21 के गुआंगझाउ लोंग लायंस वर्सेस टियानजिन पायनियर्स के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम देने वाला हूँ गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूँगा, आप उसके हिसाब से आप खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। गुआंगझाउ लोंग लायंस विल लॉक हॉर्न्स विद टियानजिन पायनियर्स इन द चाइनीज बास्केटबॉल एसोसिएशन लीग्स ऑन वेडनेसडे। गुआंगझाउ लोंग लायंस हैव ओनली वन 7 आउट ऑफ देयर 15 गेम्स प्लेड दस फार, आर प्लेस्ड एट द 11th पोजिशन ऑन द पॉइंट्स टेबल। तो गुआंगझाउ लोंग लायंस अभी तक 15 मैच में 7 मैच जीती है, 15 मैच में, और एक 11 नंबर पोजिशन पे है पॉइंट्स टेबल पे। टियानजिन पायनियर्स ऑन द अदर हैंड हैव ओनली वन 2 आउट ऑफ देयर 15 गेम्स। तो टियानजिन पायनियर्स अभी तक 15 मैच में 2 मैच जीती है एंड 18 पोजीशन ऑन द पॉइंट्स टेबल, तो 18 नंबर पे है पॉइंट्स टेबल पे। दिस विल बी अ हाई पेस्ड गेम विथ एन इम्प्लाइड टोटल ऑफ अराउंड 2200। तो ये काफ़ी तेज गेम होने वाला है और पूरा मैच का टोटल पॉइंट हो सकता है 200 के आसपास। गुआंगझाउ लोंग लायंस विल बी स्टार्टिंग एज फेवरेट टू विन दिस गेम एंड दे अगेंस्ट टियानजिन पायनियर। तो गुआंगझाउ लोंग लायंस आज का मैच जीतने का चांस ज़्यादा है, उसके हिसाब से उतरेगा विपक्ष टीम टियानजिन पायनियर्स के विरुद्ध। गुआंगझाउ लोंग लायंस की तरफ से आज का मैच स्टार्ट करेंगे डैलस मुरे, जो काफ़ी बढ़िया कैप्टन और वाइस कैप्टन का पिक हो सकता है। चैनल जैन काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन का चयन अच्छा है। सान स्पेट्स जो खेलेंगे सेंटर पे। टियानजिन पायनियर्स की तरफ से वाईसी काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर पिक हो सकता है, ल्यू सुआई भी काफ़ी अच्छा पिक, जिन ही और मेंग आज का मैच स्टार्ट करेंगे। तो गाइस सब मैं टीम देने वाला हूँ, मेरे साथ टीम क्रिएट कीजिए। फर्स्ट ईयर पर से पॉइंट गार्ड पे मैं पिक करूँगा डैलस मुरे को, जो काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है। पिछले 3 मैच का जो रिकॉर्ड है 56.8, 29.4, 21.6 के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर है। उसके बाद मैं यहाँ पर से पिक करूँगा, यहाँ पर से अदर चॉइस आपके पास हो सकता है जैसे वाईशी, और यहाँ पर से काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है, पॉइंट देख सकते हो वाईशी का। वांग फेंग का थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे बेंच से, आप ट्राई कर सकते हो। शूटिंग गार्ड पे मैं यहाँ पर से पिक करूँगा चैन को, जो काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकता है। उनका पिछला 3 मैच का रिकॉर्ड आप देख सकते हो, हर मैच में 36.6, 41.2, 36.9 के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर दिया है। यहाँ पर से मैं पिक करूँगा एल शुआई को, एल शुआई जो ऑलराउंडर पिक हो सकता है, ये काफ़ी अच्छा स्टील पॉइंट दे सकता है आपको, मिनिमम 50 पॉइंट के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर दे सकता है, तो मैं उनको मेरे टीम में पिक करूँगा। अदर चॉइस यहाँ पर से हो सकता है टिंकियन को, आप ले सकते हो अपने टीम में। और यहाँ पर से स्मॉल फॉरवर्ड पे मैं पिक करूँगा फर्स्ट चॉइस ही को, मेरे टीम में पिक करूँगा। पिछला 3 मैच का रिकॉर्ड 23.70.2, 18.1 के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर है उनका। उसके मैच यहाँ पर से मैं पिक करूँगा मिंग को, मिंग का रिकॉर्ड 15-20 के आसपास है, 17.35, 30.4 के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर है उनका। यहाँ पर ज़्यादा चॉइस आपके पास हो सकता है इंसान, आप इंसान को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर से ट्राई कर सकते हो मिंग जैन, ये भी काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। पावर फॉरवर्ड पे मैं यहाँ पर से पिक करूँगा गुओ को, जिनका 3 मैच का रिकॉर्ड है मिनिमम 20 के ऊपर,
13.3, 21.3, 18 पॉइंट के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर है उनका। उसके बाद मैं यहाँ पर से जीन को मेरे टीम में पिक करूँगा। ये भी काफ़ी अच्छा कैप्टन और वाइस कैप्टन का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक मैच में 61.7 के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर दिया था। मिनिमम तो ये 20 से 25 पॉइंट के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर दे सकता है। यहाँ पर सादर चॉइस आपके पास हो सकता है हास, हास को आप ट्राई कर सकते हो। मिनिमम ये खिलाड़ी 15 से 20 के आसपास दे सकता है ड्रीम इलेवन स्कोर। उसके बाद मैं यहाँ पर से आप चाहते हैं तो यू को अपने टीम में कोई भी पिक दे सकते हो। सेंटर में काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा जो है स्प्लेट्स। मैं स्प्लेट्स को मेरी टीम में पिक करूँगा। इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 29.2, 38.9 के आसपास ड्रीम इलेवन स्कोर है उनका। My skills app only for cricket for the all cricket lover 100% cashback for fast deposit festive offer going good membership offer good features transaction and withdrawal goes facility link provide description and must try referral code FDT11